नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में कांग्रेसियों ने मैथन टोल टैक्स की जाम, लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। धनबाद निरसा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ सोनू सिंह के नेतृत्व में बुधवार को सैकड़ों की संख्या में मैथन टोल टैक्स लगभग एक घंटे तक जाम रखा गया। जाम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों छोर पर लंबी लंबी वाहनों की कतार लग गई। जाम की स्थिति देखते हुए मैथन पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटाया गया। सभी कांग्रेसियों ने केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार राय ने कहा कि आज देश में जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमारे युवा नेता राहुल गांधी पर जिस तरह का न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाया जाता है और उसके तुरंत उनकी सदस्यता छीन ली जाती है, उनका घर छोड़ने को कहा जाता है, जिससे उनकी मानसिकता समझ में आती है। पूरी प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली है, उनका घर छीन ले, लेकिन उनकी लोकप्रियता को कैसे छीन पाएंगे। मौजूदा केंद्र में तानाशाही सरकार के खिलाफ हम सभी ने निरसा के मैथन टोल टैक्स को जाम किया है और इससे सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। वही धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि मोदी अदानी मामले में चुप्पी साधे हुए है। देश में जनता महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी अदानी मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उनके मौन की आखिर वजह क्या है? अदानी को लेकर नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, आखिर उनका अदानी से क्या संबंध है? वर्तमान में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, हर काम संविधान से हटकर किया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज को दबाया जा रहा है। सीबीआई, ईडी और आईटी का डर दिखाया जा रहा है। वह इस मुद्दे पर निरसा एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि कांग्रेसियों द्वारा टोल नाका को जाम कर दिया गया था। पुलिस बल ने सभी को समझा बुझा कर थाने ले आए, उसके पश्चात सभी को छोड़ दिया गया है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। जी बताइए कि गौतम अडानी से आपका क्या रिश्ता है और गौतम अडानी के जो खाते में 20,000 करोड़ रुपया जो है वो किसका है? पूरी सरकार, पूरी भाजपा हिल गई इस सवाल पर और उनके आवाज को दबाने के लिए पहले तो उनके आवाज को म्यूट किया गया, फिर लोकसभा की कार्रवाई से उनके उनके सारे सवालों को हटा दिया गया। उसके बाद ये मैंने राहुल गांधी जी जब पदयात्रा पर निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि मोदी जी के पास कोई सवाल नहीं था, सिर्फ सवाल था राहुल गांधी जी जूता पहने हैं महंगा, राहुल गांधी जी टी शर्ट पहने हैं फलाना कंपनी का, यही सब उल्टा सीधा बीजेपी इसी सब चीजों में परेशान रही। काम हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में उस धारा के तहत, धारा IPC के 500 के तहत किस पहला राहुल गांधी जी है जिनको 2 साल की सजा हुई, सजा के दूसरे दिन उनके सदस्यता समाप्त कर दी गई, सदस्यता समाप्त होने का तीसरे दिन उनका आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया। 7 ऐसे भाजपा के नेता हैं, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी सहित 7 ऐसे नेता हैं जिनको आतंकवादी का खतरा बताकर उनको आवास में रहने दिया जा रहा सांसद वाला में, और जिस आडवाणी का, जिस मुरली मनोहर जोशी के घर का कोई सदस्य नहीं मरा होगा, किसी चिड़िया भी उसका घर का नहीं हताहत हुआ होगा देश के लिए, राज्य के लिए और हिंदुस्तान के लिए, और जिसके परिवार से दो दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हुए राहुल गांधी जी के परिवार से, और उनको खाली करा दिया जा रहा। आतंकवादी खतरा उनको नहीं है, लेकिन आतंकवादी खतरा लाल किशन आडवाणी जी का मोदी के इस आतंक से, जुल्म की बुनियाद पर खड़ी मोदी सरकार के खात्मा के लिए यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पूरी कांग्रेस पार्टी सर पर कफन बांध ली है और आंदोलन 2024 में मोदी सरकार को खड़ा फेंक कर फकरे तक। धनबाद जिला युवा कांग्रेस के द्वारा हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी से डर कर मोदी जी ने जो एक दिन में भाजपा के स्पीकर मोदी जी के इशारे के टट्टू स्पीकर ने राहुल जी की जो सदस्यता रद्द की और उसके 2 दिन के बाद उन्हें आवास खाली कराने का नोटिस दिया, हम लोग उसी आक्रोश में पूरा धनबाद जिला युवा कांग्रेस आज पूरे इंडिया में, पूरे झारखंड में आज नाकाबंदी, हर एक टोल टैक्स में हम अपने नेता के खिलाफ आम जन के सहयोग से आज यहाँ बंद
बंदी किए हैं ताकि लोगों तक ये जाए कि ये नौजवान युवा अपने नौजवान राहुल जी के लिए संघर्ष करने इस धूप में इस टोल टैक्स को जाम कर रहा है। यही संदेश धनबाद जिला युवा कांग्रेस से मैं मोदी जी बूंदी बारी सरकार के कान तक और मुंह तक भेजना चाहता हूँ। किस कारण आप लोगों से अरेस्टिंग हुई थी? आज पूरे भारतवर्ष में यूथ कांग्रेस के द्वारा जितना भी टोल टैक्स है उसको जाम किया गया और जनता को ये आह्वान किया गया ताकि जिस तरीका से अभी केंद्र की तानाशाही सरकार जिस तरीका से राहुल गांधी के साथ बर्ताव किया वो एक शहादत फैमिली से हैं और उनको आज आवास से बेदखल कर दिया गया और तरह तरह की उनके साथ प्रताड़नाएं वाली कार्रवाई की गई। इसका कांग्रेस पार्टी भरपूर भर्त्सना करती है, निंदा करती है। उसी को लेकर आज यहाँ पे यूथ कांग्रेस के द्वारा टोल टैक्स जाम किया गया था और हम जनता से आह्वान करते हैं कि आइए हम सब साथ मिलकर इस क्रूर तानाशाही केंद्र सरकार को उखाड़ फेंके और आने वाले 2024 में हम लोग कांग्रेस की एक नई सरकार, एक नए लोकतंत्र का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। आपका सर परिचय? डॉक्टर संतोष राय, स्वास्थ्य विभाग जिला अध्यक्ष, धनबाद जिला कांग्रेस। कि राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त हुई, जो भी इन लोग को उसका नाराजगी व्यक्त करते हुए इन्हें जाम करने का सूचना मिला था, ये लोग आए थे भी टोल के पास, कुछ देर तक जाम रखे, 10-15 मिनट रहा, पुलिस फोर्स गई, समझा बुझा के इनको थाना बुलाया गया और इनको समझा दिया गया। जो आपका विरोध प्रदर्शन था वो सांकेतिक रूप से चला गया, जो भी अगर आपको मेमोरेंडम देना है दे देंगे, उचित माध्यम से हम लोग आगे अग्रेसित करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहा, वैसा कोई विवाद का स्थिति इस जगह पर तो नहीं दिखा गया, हम सब मुस्तैद थे इसके लिए। उन लोगों को बुलाया गया था कि अनावश्यक रोड में जाम ना रखे, जो सांकेतिक था उनका विरोध प्रदर्शन था वो किए, आज गिरफ्तारी वाली बात नहीं, उनको बुलाया गया था यहाँ पर क्या, और कोई पूछताछ करके कोई एजेंडा है कि हम लोग का अन्य काम भी है तो इन लोग का क्या है, तो बोले कुछ नहीं, हम लोग का जो सांकेतिक अपना विरोध प्रदर्शन था उसको हम लोग किए और आगे हाँ, इन लोग का काफी उस तरह से हम लोग वहाँ पर थे, फोर्स भी पहुंचे थे, उग्र और उस तरह की बात नहीं था, ये लोग उसका विरोध कर रहे थे कि उनकी सदस्यता का जो किया उसको निरस्त किया, जिसको ये लोग गलत बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी की सदस्यता का जिसका विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग किए और उनको वहां से भीड़ को थाने में लाया गया, फिर अब डिस्पर्स करते हैं।